ऑलराइट यार, तो आज की जो लर्न जर्मन की वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक जर्मन वर्ड जो कि अभी कुछ अर्सा पहले काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था, क्योंकि ये वर्ड जो है ये 31 लेटर्स का वर्ड है। और इस वर्ड की जो इस लर्न जर्मन की एपिसोड है उसके अंदर हम इस वर्ड की प्रोनंसिएशन जो है वो देखेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, उसके अलावा हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इतना लंबा जो वर्ड है उसको ईजीली आप लोग कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, सबसे पहले जो है वो मैं स्लो तरीके से इस वर्ड की आप लोगों के साथ प्रोनंसिएशन शेयर करता हूँ। वर्ड जो है वो ये है, फूसबोडन श्लाइफ मशीनन फैलाए। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आप पहला पार्ट ले लें, फूसबोडन। ठीक है, फूस आपको पता है इंग्लिश में जैसे फुट को कहते हैं, ठीक है, तो फूसबोडन एक वर्ड है जिसको फ्लोर को कहते हैं, ज़मीन को। फूसबोडन हो गया फ्लोर, ठीक है, ज़मीन हो गई। श्लाइफ मशीनन ये एक वर्ड है, यानी कि जो इसके वर्ड के अंदर एक वर्ड है, श्लाइफ मशीनन। मशीनन आपको पता है मशीन को कहते हैं, श्लाइफ मशीनन कहते हैं ग्राइंडिंग मशीन को, जो सैंडिंग मशीन होती है जिससे आप ज़मीन जो है वो लेवल कर सकते हैं, ठीक है, या उसको प्लेन कर सकते हैं। तो फूसबोडन हो गया ज़मीन, श्लाइफ मशीनन हो गई सैंडिंग मशीन, और फैलाए जो है वो बेसिकली कहते हैं लेंड करने को, कोई चीज़ उधार पे लेने को, या आप लोग यह कह लें कि जैसे रेंट की दुकान होती है। तो श्लाइफ फूसबोडन श्लाइफ मशीनन फैलाए का मतलब ये है कि ये वो जगह है जहाँ से आप लोग सैंडिंग मशीन्स रेंट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको जो है वो तेज़ प्रोनाउंस करूँगा, आप लोग उसके बाद जो है वो रिपीट कर सकते हैं इसको, फूसबोडन श्लाइफ मशीनन फैलाए। ठीक है, इसकी स्लो प्रोनाउंसिएशन होगी, फूसबोडन श्लाइफ मशीनन फैलाए। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये इतना लेंथी वर्ड 31 लेटर्स का जो है वो बहुत ईजी लग रहा होगा, तो आप लोग इसको इसी तरह से ब्रेक डाउन करके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और सजेशंस हैं लर्न जर्मन की एपिसोड्स के हवाले से, कोई सिचुएशंस हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखें और मैं उसके ऊपर भी जो है फिर वो एक वीडियो बनाऊँगा। एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।